बोधगया महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी में किया गया था। बाद में कनिष्क ने इसको विस्तारित किया। सन 1205 में बख्तियार खलजी ने आक्रमण कर इस विहार को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भिक्षु लोगों ने विहार को चारों ओर से मिट्टी एवं पौधों से सुरक्षित कर दिया। सन 1876 में जनरल कनिंगम ने इसे खोज निकाला। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक एवं चीनी यात्री हुएन संग ने उनके प्रवास वर्णन में इस विहार के बारे में संक्षेप में लिखा है। महाबोधि महाविहार परिसर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अर्थात बोधि वृक्ष पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर ही तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बौद्ध गया में लगा हुआ है। वह अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है और यह 134 साल पुराना है। वह वृक्ष जिसके नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जिसकी टहनियों को सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने को भेजा था। सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी तिश्य रक्षिता ने चोरी छुपे उस समय कटवा दिया था जब सम्राट अशोक दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उस कटे हुए बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उग आया। यह दूसरी पीढ़ी का वृक्ष था और यह लगभग 800 सालों तक मौजूद रहा। इस दूसरे वृक्ष को बंगला नरेश शशांक सन 602-620 ईस्वी, जो कि ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, उसने जड़ सहित उखड़वाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह इसमें नाकामयाब रहा तो उसने उस बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवाकर नष्ट कर दिया। लेकिन इसकी जड़ें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई और कालांतर में कुछ ही सालों के बाद उन्ही जड़ों से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला और यह लगभग 1250 सालों तक मौजूद रहा। सन 1876 में यह वृक्ष एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर नष्ट हो गया। तब लॉर्ड कनिंगम ने सन 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा को मंगवाकर इसे बौद्ध गया में पुनः स्थापित कराया, जो इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को पहले बोधि वृक्ष की जिन टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धम्म का प्रचार करने भेजा था, वह आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरम में मौजूद है और विश्व के लिखित इतिहास की दृष्टि से यह अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन वृक्ष लगभग 2250 वर्ष पुराना है। आज जो बोधि वृक्ष यहाँ पर दिखाई देता है वह इसका चौथा धड़ है। इसके किनारे पर एक चबूतरा है जिस पर बुद्ध के चरणों के निशान बने हैं। इसको वज्रासन कहा जाता है।